कर्नाटक विधानसभा में बच्चे के साथ हुई दरिंदगी को लेकर जब चर्चा हो रही थी तभी सूबे के मुखिया सिद्धारमैया सो रहे थे। वारदात के बाद दर्ज हुए 10 दिन बीत जाने के बावजूद गुनहगार आजाद है और सीएम साहब को नींद आ रही है। ऐसे में सीएम साहब के सोने पर सवाल तो खड़े होंगे ही। कर्नाटक विधानसभा में बहस चल रही थी। 6 साल की मासूम के साथ रेप को लेकर विधायक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन जिन कंधों पर पूरे प्रदेश की सुरक्षा का भार है वो शायद थक गए हैं। तभी तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ऐसी खौफनाक वारदात पर बहस के दौरान सो रहे थे। बीजेपी के विधायक विधानसभा से वॉकआउट करने से पहले विरोध में वेल तक आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को नींद के आगोश से निकालने के लिए उनका शोर भी काम न आया। जागे तो इंसाफ दिलाने का भरोसा जरूर दिया। What action we can take, government will take necessary action. बलात्कार जैसे गंभीर विषय को लेकर नेताओं के अनाप शनाप बयान पहले भी आते रहे हैं, तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है। लेकिन जिस तरह से एक मासूम से बलात्कार की घटना पर पूरा बेंगलुरु गुस्से में सड़कों पर उतर आया है, ऐसे में मुख्यमंत्री के विधानसभा में सोने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये तो राज्य सरकार ही नहीं सो रही है, मैं तो मानती हूँ कि राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही एक तरह से सो रहे हैं। हाउस के अंदर तो जो चीफ मिनिस्टर सो रहे थे वो सिंबॉलिक है, इसका मतलब ही है कि एक तरह से चर्चा ना हो, इन सारी चीजों पे आप चुप्पी बरतिए। बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के आगे प्रदर्शन किया। Culprits are to be booked immediately and take proper action. At the same time, the chairman, the management, whoever is there, they also should be taken into custody. वहीं इस घटना के बाद दूसरे अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार कर दिया है। One of the school spokesperson, she has told, we are not responsible for anything in your school. If something has happened to school, then tell me one thing. ये स्कूल क्या जेब लूटने के लिए और इज्जत लूटने के लिए खुले हुए हैं क्या? इस घटना को हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शैलजा वर्मा, बेंगलुरु, IBN 7।